हे एवरीवन, क्या आप भी बोलना चाहते हैं इस प्रकार के सेंसेस को, जैसे कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था, इसीलिए तुम्हें पैसे दिया था, इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया था। इस प्रकार के सेंसेस बोल के लिए क्या यूज करते हैं, चलिए देख लेते हैं। लेकिन आप दैट्स व्हाई ही से काम चला लेते होंगे, लेकिन आपको बताऊंगा 3 से 4 वर्ड मीनिंग्स जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इफेक्टिव होने वाली है। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो गाइस फॉर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स ऑल द वर्ड्स। प्लीज लेट्स स्टार्ट नाउ। बट देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यानी ये सेंटेंस को बताने से पहले, स्ट्रक्चर को बताने से पहले, मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजनल होते हैं। जैसे कि दो वर्ड्स लेता हूँ, सेल सेल, दोनों ही सेल है, एक है SAIL, एक है SALE। ठीक है, पहले सेल का मतलब होता है समुद्री यात्रा करना, दूसरा होता है सेल का मतलब बिक्री, कहते हैं ना यहाँ पर सेल लगी वहां पर सेल लगी है, ये वाला SALE। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आपको। जब भी आपको है ना, इसीलिए तो मैंने कहा था, अरे इसीलिए तो उसने मुझे पैसे दिया था, इसीलिए तो मैंने तुमसे प्यार किया था, तो इसको बताने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको बताने के लिए सबसे पहले नॉर्मली एक होता है दैट्स वाई। देखिए दैट्स वाई का स्थान पर बहुत सारे यूज कर सकते हैं, अभी आपको लास्ट में बताता हूं। जैसे कि इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था दैट्स वाई आई सेड यू, इसीलिए तो मैंने तुमसे प्यार किया था दैट्स वाई आई लव्ड यू। ठीक है, इसीलिए उसने मुझे पैसे दिया था दैट्स वाई सी गिव मी मनी। आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में ये रिकमेंड करिएगा, अभी लास्ट में वर्ड बताता हूं, टेंशन मत लेने का। ठीक है, जैसे कि इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बता देता हूं दैट्स वाई के स्थान पर और क्या यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं यहां पर हेंस फोर्थ, जैसे इसीलिए मैंने कहा था तो दैट्स वाई आई सेड, आप कह सकते हैं हेंस फोर्थ आई सेड। देखिए हेंस फोर्थ के स्थान पर भी आप यूज कर सकते हैं दैट्स द रीजन, इसका मतलब तो अरे यही कारण तो है, यही कारण तो है, दैट्स द रीजन। तो क्या बोल सकते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा था दैट्स द रीजन आई सेड, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दैट्स वाई बोल सकते हैं, हेंस फोर्थ बोल सकते हैं, और हाँ देयर फोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दैट्स द रीजन और सो का भी कुछ लोग करते हैं। तो 5 तरीके हो गए आपको दैट्स वाई बोलने का, यानी इसीलिए का। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिए जितेंद्र इस चैनल को इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।